गुड इवनिंग बच्चों, दिस इज संतोष श्रीवास्तव फ्रॉम सुपर 60 एजुकेशन हब एंड वंस अगेन आई एम हियर विद सेकंड सेट ऑफ प्रैक्टिस सेट, सुपर 60 प्रैक्टिस सेट नंबर 2 विद 25 क्वेश्चंस ऑन इंग्लिश. इट मीन्स दिस नॉट मैथ्स, दिस नॉट रीजनिंग, दिस नॉट जीएस, दिस इज फ्रॉम इंग्लिश, ओनली इंग्लिश, 25 क्वेश्चंस. ओके, लेट्स बिगिन. कॉमन एरर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट. टू थर्ड्स ऑफ आवर ग्रैंडफादर्स वेल्थ वर डोनेटेड फॉर रिनोवेशन ऑफ एंशिएंट टेंपल्स. देख लें, ए बी सी आर डी. टू थर्ड्स ऑफ आवर ग्रैंडफादर्स वेल्थ वर डोनेटेड फॉर रिनोवेशन ऑफ एंशिएंट टेंपल्स. क्या एरर हो सकते हैं, कौन सी एरर है इसमें? ओके, लेट्स सी सेकंड क्वेश्चन. दिस इज एन एटम इज अ स्मॉलेस्ट कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट ऑफ ऑर्डिनरी मैटर दैट हैज द प्रॉपर्टीज ऑफ अ केमिकल एलिमेंट. An atom is a smallest constituent unit of ordinary matter that has the properties of a chemical element. A, B, C, R, D. Third, the standard of living in India is still lower than most of the other developed countries. द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इन इंडिया, यानी भारत में जो रहन सहन का स्तर है, इज स्टिल लोअर, वो अभी भी कहीं कहीं नीचे है देन मोस्ट ऑफ द अदर डेवलप्ड कंट्रीज, यानी बहुत सारे अन्य विकसित देशों की अपेक्षा. तो ये तीन कॉमन एरर्स हैं. दिस इज सेंटेंस फिलर. क्वेश्चन नंबर 4. Irregular supply of electricity can dash in wastage of electricity. Irregular supply of electricity can dash in wastage of electricity. A. Cause. B. Result. C. Effect. D. Effect. Sentence filler, question number 5. His father introduced him at an age to the game of cricket. His father introduced him at an age to the game of cricket. Inquisitive ace, insensible ace, impressionable ace, or impassive ace. कौन सी एज में उन्होंने उस बच्चे को गेम ऑफ क्रिकेट में इंट्रोड्यूस कराया? सनोनिम. क्वेश्चन नंबर 6. रेपेसियस का सनोनिम क्या होगा? एक्सेसिव होगा, ग्रीडी होगा, इंसोलेंट होगा या इनोकुअस होगा? क्या सनोनिम रेपेसियस का सनोनिम? एक्सेसिव, ग्रीडी, इंसोलेंट और इनोकुअस. सेनोनिम. क्वेश्चन नंबर 7. कांसर का सेनोनिम क्या हो? परफॉर्मर होगा, मैजिशियन होगा, प्रोकेस्टर होगा या जेस्टर होगा? कांसर का सेनोनिम परफॉर्मर, मैजिशियन, प्रोकेस्टर या जेस्टर? देखिए, अगर आपको वर्ड्स आ रहे हो तो आप तुरंत फॉलो करें, और अगर वर्ड की मीनिंग आपको नहीं आ रही होगी तो आपको टाइम. एंटोनिम्स. क्वेश्चन नंबर 8. प्रोग्रेसिव का एंटोनिम क्या होगा? प्रोग्रेसिव का एंटोनिम रिप्रेसिव होगा, रिट्रोग्रेसिव होगा, रिपल्सिव होगा या अग्रेसिव होगा? और ये चारों वर्ड्स इंपॉर्टेंट हैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से. प्रोग्रेसिव का एंटोनिम. एंटोनिम क्वेश्चन नंबर 9. देखिए,
आप अगर एक कॉपी लेके बैठेंगे आप उन पर क्वेश्चन नंबर और अपने आंसर्स अगर ऑप्शंस लिख लेंगे तो आपको धीरे धीरे देखिएगा बहुत फायदा होगा, आप अपने को इवेल्युएट कर पाएंगे कि आज आपकी प्रगति है या फिर आप कहीं कहीं अवनति की तरफ जा रहे हैं। मीन्स अगर आप प्रोग्रेस कर रहे होंगे तो भी आपको पता चलेगा, और अगर आप कहीं कहीं रिट्रोग्रेस कर रहे होंगे तो भी आपको पता चलेगा। ओके, एंटोनिम नंबर 9, तो ससेप्टिबल का एंटोनिम क्या होगा? इनक्रेडिबल होगा, इम्यून होगा, प्रेडिक्टेबल होगा या अनप्रेडिक्टेबल होगा? ससेप्टिबल का एंटोनिम, दिस इज एडियम्स एंड फ्रेजेस क्वेश्चन नंबर 10। टू टर्न ओवर अ न्यू लीफ, टू टर्न ओवर अ न्यू लीफ का एडियम है, इसका अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ होता है टू चेंज फॉर द बेटर, टू स्टार्ट राइटिंग, यहां पे रहेगा यच नहीं रहेगा, टू स्टार्ट राइटिंग अ न्यू बुक, टू वर्क ऑन अ नॉवेल आइडिया या फिर टू क्लियर द गार्डन। टू टर्न ओवर अ न्यू लीफ का अर्थ क्या होगा? एडियम नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 11, टू कीप अप वंस अपीयरेंसेस का अर्थ क्या होगा? टू मेक पब्लिक अपीयरेंसेस नाउ एंड देन, टू मेंटेन वंस लुक्स एंड अपीयरेंस, टू कीप अप एन आउटवर्ड शो ऑफ प्रॉस्पेरिटी या टू मेक इट अपीयर दैट वन इज नॉट कंसर्न, क्या टू कीप अप वंस अपीयरेंसेस? दिस इज सेंटेंस इंप्रूवमेंट, क्वेश्चन नंबर 12, शी हैज डिसाइडेड टू कैनवस फॉर द कंजर्वेटिव पार्टी, शी हैज डिसाइडेड टू कैनवस फॉर द कंजर्वेटिव पार्टी। तो कैनवस के स्थान पे एडवर्टाइज होगा, कैनवास होगा, कैनवाशिंग होगा या नो इंप्रूवमेंट? नेक्स्ट सेंटेंस इंप्रूवमेंट, क्वेश्चन नंबर 13, सीरियस चार्जेस ऑफ करप्शन वर लेवीड अगेंस्ट हिम, सीरियस चार्जेस ऑफ करप्शन वर लेवीड अगेंस्ट हिम, तो वर पुट अगेंस्ट हिम होगा, वर लेवल्ड अगेंस्ट हिम होगा, वर मेड अगेंस्ट हिम होगा या वे नो इंप्रूवमेंट? ओके, स्टडी ऑफ द प्रॉब्लम्स ऑफ लीगल पनिशमेंट एंड प्रिजन, ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है आपका, क्वेश्चन नंबर 14, स्टडी ऑफ द प्रॉब्लम्स ऑफ लीगल पनिशमेंट एंड प्रिजन का आंसर न्यूरोलॉजी होगा, एस्ट्रोलॉजी होगा, पेनोलॉजी होगा या क्रिमिनोलॉजी? स्टडी ऑफ द प्रॉब्लम्स ऑफ लीगल पनिशमेंट एंड प्रिजन, कभी कभी अगर आपको आंसर्स नहीं आ रहे हो तो सही आंसर्स को एलिमिनेट करके भी आप कर सकते हैं, यानी जो वर्ड्स नहीं हो सकते उनको हटाते जाए। रिटेन लॉ ऑफ अ लेजिस्लेटिव बॉडी, एक लेजिस्लेटिव बॉडी के द्वारा जो लिखित कानून होता है वो स्टैटिक होता है, वो स्टैच्यूट होता है, वो स्टैच्यू होता है या वो स्टेचर होता है? वर्ड्स को एलिमिनेट करना सीखें, सीख जाएंगे धीरे धीरे आप। सेंटेंस अरेंजमेंट, क्वेश्चन नंबर 16, एजुकेशन इन इंडिया हैड अ ग्लोरियस बिगनिंग बट आफ्टर द ब्रिटिश रूल इट फेस्ड मेनी चेंजेस, इन ब्रिटिश रूल के बाद इसे बहुत सारे परिवर्तनों का सामना करना पड़ा। इट वेंट ऑन फॉर सेंचुरीज विद द सेम ग्लोरी, ये इसी ग्लोरी के साथ सदियों तक चलती रही। इंग्लिश एज द मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन हैड अ वेरी ग्रेट रिस्पांस, एक मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन के रूप में इंग्लिश को बहुत बड़ा रिस्पांस, बहुत पॉजिटिव रिस्पांस मिला। वन ऑफ द चेंजेस वाज द इंट्रोडक्शन ऑफ इंग्लिश एज द मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन, यानी मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन जो था वो कहेंगे वन ऑफ द चेंजेस जो था वो इंट्रोडक्शन जो कराया गया वो एक था उनमें से। एज द ब्रिटिशर्स लेफ्ट,
जब ब्रिटिशर्स लीव करके गए, छोड़ के गए भारत को, तो वी हैड अ कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ ओपिनियंस रिगार्डिंग इंग्लिश। तो इंग्लिश को लेकर के हमारी ओपिनियंस में बहुत कॉम्प्लेक्सिटी थी, मिश्रताएं थी, जटिलताएं थी। देख लीजिएगा नेक्स्ट सेंटेंस अरेंजमेंट, प्रश्न नंबर 16। इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ पेरेंट्स टू टीच द यंग मॉरल वैल्यूज इन लाइफ। यानी जो पेरेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी वो ये है टू टीच द यंग, छोटे छोटे बच्चों को सिखाएं मॉरल वैल्यूज, नैतिक शिक्षाएं इन लाइफ, उनके जीवन में। मेनी चिल्ड्रन टेक एडवांटेज ऑफ देयर पेरेंट्स बिजी शेड्यूल। बहुत सारे बच्चे अपने पेरेंट्स के बिजी शेड्यूल का नजायज फायदा उठाते हैं। दिस रिजल्ट्स इन चिल्ड्रंस इग्नोरेंस ऑफ सोशल वैल्यू। इससे उनके अंदर सोशल वैल्यूज में प्रॉब्लम्स आते हैं। द रीजन बिहाइंड इट इज, इसके पीछे कारण ये है दैट कि पेरेंट्स आर क्वाइट बिजी नाउडेज, कि आजकल पेरेंट्स बहुत अधिक बिजी रहने लगे हैं। नाउडेज पेरेंट्स स्पेंड वेरी मीगर टाइम विद चिल्ड्रन, और आजकल माता पिता बच्चों के साथ बहुत कम समय व्यतीत करते हैं। एज सच, और जैसा कि द सोसाइटी इज गोइंग अवे फ्रॉम द वैल्यू सिस्टम, और इससे हो क्या रहा है कि समाज हमारे वैल्यू सिस्टम से, नैतिकताएं हैं उनसे दूर होता जा रहा है। मिलाइएगा फाइंड आउट द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। आप ये बता रहे हैं इन चार शब्दों में से कौन सा शब्द स्पेलिंग के रूप में सही है। एक मिनट, ओके। वो शब्द कर्नल है, बफे है, लेफ्टिनेंट है या बैंक है। इन चारों में से कोई एक शब्द ही आपका सही है स्पेलिंग के रूप, बाकी शब्द यहां पे गलत है। यह वॉयस है क्वेश्चन नंबर 19। द डीलर विल सर्विस द स्कूटर फॉर द फ्री द फर्स्ट थ्री टाइम्स। जो डीलर है वो तीन बार इस स्कूटर को क्या करेगा, फ्री में सर्विस करेगा। देखिए अगर आपको वॉयस करना है एक्टिव एंड पैसिव वॉयस, कुछ चीजें आपका टेंस आपका क्लियर हो, आपके सब्जेक्ट आपको पता हो, आपकी ऑब्जेक्ट पता हो, और ये पता है कि इसमें एडवर्बियल क्या है जो ऑब्जेक्ट नहीं बन सकता है, ये सब चीजें धीरे धीरे सीखे आप। मेरी जब लाइव क्लासेस मैं दूंगा तो वहां पे आपको ये सब चीजें मैं पढ़ाऊंगा। वॉयस है, नरेशन है, पर्स ऑफ स्पीच है, कंडीशनल है, पॉजिटिव, सब मैं पढ़ाऊंगा। डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच। द ग्रूम सेड टू द ब्राइड, यानी दूल्हे ने दुल्हन से कहा I will take good care of you. मैं हमेशा तुम्हारा अच्छे से ध्यान रखूंगा। इसका इनडायरेक्ट क्या हो जाए? अगर आप क्लूज तैयार करेंगे तो धीरे धीरे आपका समय जो है वो बच जाएगा। प्रोनाउन बेहतर करें और टेंस बेहतर करें, कनेक्टिव क्या होता है, इन्वर्टेड कॉमा का स्थान क्या लगाते हैं, ये सब धीरे धीरे मेंटेन करें। और ये लास्ट पोर्शन आपका है क्लोज टेस्ट टेसिस, क्वेश्चन नंबर 21-25। Education is the most important and best tool for women empowerment. Empowerment means होता है सशक्तिकरण। यानी जो education है, यानी जो शिक्षा है, is the most important and best tool for women empowerment. वो महिला सशक्तिकरण के सबसे महत्वपूर्ण है। क्या है? खोजिएगा। It makes women aware of their rights. इससे औरतों के अंदर उनके अधिकारों के प्रति सजगता आती है, एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज, और अपनी जिम्मेदारियों को भी उन्हें एहसास होता है। एजुकेशनल अचीवमेंट्स, जो एजुकेशनल अचीवमेंट्स है यानी शैक्षिक उपलब्धियां हैं ऑफ अ वुमन, एक औरत की, कैन हैव डैश इफेक्ट्स, उनका प्रभाव पड़ सकता है फॉर द फैमिली, परिवार पर, एंड अक्रॉस जनरेशन, इवन पीढ़ियों दर पीढ़ियों पर उसका प्रभाव पड़ेगा यदि महिला शिक्षा प्राप्त करती है। Most of the girls drop out of school. बहुत सारी बच्चियां स्कूल छोड़ दिया करती हैं due to the unavailability of separate toilets for them. क्योंकि स्कूलों में उनके लिए अलग से toilets नहीं हुआ करते। The recently launched स्वच्छ भारत मिशन, जो हाल ही में स्वच्छ भारत मिशन लॉन्च हुआ, focusing on sanitation facilities.
जो सैनिटेशन यानी स्वच्छता की फैसिलिटीज को फोकस कर रही हैं इन स्कूल्स एंड एवरी रूरल हाउसहोल्ड, स्कूलों में फोकस कर रही हैं एंड एवरी रूरल हाउसहोल्ड, हर ग्रामीण घर में वो फोकस कर रही हैं बाय 2019 तक ऐसा हो जाए. कैन प्रूव ये स्वच्छ भारत मिशन जो है, कैन प्रूव ये साबित हो सकता है टू बी वेरी बेस्ट इन ब्रिंगिंग डाउन, ब्रिंग डाउन मीन्स कम करना, लेस करना, कम करने में, क्या कम करने में, द डेथ ऑफ गर्ल्स यानी उन बच्चियों की उस चीज को कम करने में, ड्रॉपिंग आउट ऑफ स्कूल, जो बच्चियां स्कूल क्या करती जा रही, छोड़ती जा रही. चलिए एक्स्ट्रा टाइम था आपके लिए, अब हम बिल्कुल बिगनिंग पे आ जाते हैं. ये है मिलाइएगा, अगर आज आपने कॉपी नहीं ली थी तो कल से कॉपी जरूर लीजिएगा और अपने आप को इवेल्युएशन राउंड से गुजारिएगा कि आपकी पोजीशन क्या बन रही है. ओके देखते हैं, टू थर्ड्स ऑफ आवर ग्रैंडफादर्स वेल्थ वर डोनेटेड फॉर रिनोवेशन ऑफ एंशिएंट टेंपल्स. टू थर्ड्स ऑफ आवर ग्रैंडफादर्स वेल्थ इन्हें हमारे ग्रैंडफादर के वेल्थ का दो तिहाई हिस्सा वर डोनेटेड दान में दे दिया गया फॉर रिनोवेशन ऑफ एंशिएंट टेंपल्स, प्राचीन मंदिरों के रिनोवेशन, रिनोवेशन पुनरुद्धार पुनर्निर्माण, यानी एंशिएंट टेंपल्स के रिनोवेशन में दान में दे दिया गया. क्या दे दिया गया, टू थर्ड्स ऑफ आवर ग्रैंडफादर्स वेल्थ, हमारे ग्रैंडफादर के धन का दो तिहाई. ये तो सही है, टू थर्ड्स टू है तो थर्ड्स सही है आपका. टू थर्ड्स ऑफ आवर ग्रैंडफादर्स वेल्थ, जिन बच्चों को लगता है सर टू के बाद थर्ड्स कैसे आ सकता है, थर्ड में कैसे जुड़ जाएगा, वही जाने. ये टू थर्ड्स तब नहीं होता यदि टू थर्ड्स के बाद कोई नाउन दिया गया होता तो गलत होता. तो टू थर्ड्स ऑफ आवर ग्रैंडफादर्स वेल्थ सही वर डोनेटेड, वर डोनेटेड, ये वर किसके लिए लगा गया, वेल्थ के लिए ना, कि टू थर्ड्स के लिए. अगर टू थर्ड्स के लिए भी लगा है तो भी उस वेल्थ का टू थर्ड्स, ये वेल्थ क्या है आपका, अनकाउंटेबल नाउन है. तो ध्यान रखें जब टू थर्ड्स या थ्री फोर्थ्स काउंटेबल नाउन के पहले लगते हैं तो उनकी वर्ब हमेशा प्लूरल होती है, लेकिन जब ये अनकाउंटेबल नाउन के लिए आप यूज करेंगे तो इनकी वर्ब हमेशा क्या होगी, सिंगुलर हो जाएगी. तो टू थर्ड्स ऑफ आवर ग्रैंडफादर्स वेल्थ वाच होगा न कि वर्ब होगा यहां पे, यानी बी पोर्शन में आपके एरर था. ओके मिला के रहिएगा, आपने कितना सही किया. एन एटम इज अ स्मॉलेस्ट कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट, यानी जो एटम है अणु is a smallest constituent unit, वो सबसे छोटी इकाई होती है of ordinary matter, एक साधारण तत्व की. That has, ये that किसके लिए, matter के लिए है तो सही है. That has the properties of a chemical element, जो chemical element की properties में होते हैं. ठीक है, an atom सही, an atom is a smallest constituent. Smallest के पहले ए कैसे आया, if you use सुपरलेटिव डिग्री ऑफ योर एडजेक्टिव, अगर आप एडजेक्टिव की सुपरलेटिव डिग्री यूज कर रहे हैं तो यू विल हैव टू यूज द बिफोर इट. ओके तो एन एटम इज द स्मॉलेस्ट कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट हो जाएगा, यानी ए पोर्शन में आपके एरर था. नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इन इंडिया, यानी भारत में जो रहन सहन का स्तर इज सही है क्योंकि यहां द स्टैंडर्ड सब्जेक्ट है तो इज ही होगा. द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंडिया इज स्टिल लोअर, अभी भी लोअर है, सही है, इज स्टिल लोअर, इज स्टिल लोअर देन मोस्ट ऑफ द अदर डेवलप्ड कंट्रीज. हम इंडिया का कंपैरिजन मोस्ट ऑफ द अदर डेवलप्ड कंट्रीज से नहीं कर रहे, हम इंडिया के रहन सहन के स्तर का कंपैरिजन कर रहे. तो जिन बच्चों ने भी मेहनत किया हो वो एक एग्जाम्पल हमेशा दिमाग में बना के रखें. द क्लाइमेट ऑफ पटना इज हॉटर या बेटर देन कानपुर. द क्लाइमेट ऑफ पटना इज हॉटर देन कानपुर, गलत है. वी आर नॉट कंपेयरिंग व्हाट पटना विद कानपुर, हम इसका कंपैरिजन नहीं कर रहे, हमारा कंपैरिजन पटना के क्लाइमेट का है जो कंपैरिजन कानपुर से नहीं होगा. यानी यहां क्या होना चाहिए था,
The climate of Patna is hotter than the climate of Kanpur. लेकिन दूसरी बार क्लाइमेट नहीं लेते हैं तो उस क्लाइमेट के स्थान पे दैट लगा देते हैं तो जाएगा द क्लाइमेट ऑफ पटना इज हॉटर देन दैट ऑफ कानपुर। अगर हम भारत के रहन सहन के स्तर का कंपैरिजन कर रहे हैं तो हम मोस्ट ऑफ द अदर डेवलप्ड कंट्रीज नहीं कर रहे हैं, उन अदर डेवलप्ड कंट्रीज के स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग से कर रहे हैं। क्या होना चाहिए था, द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इन इंडिया इज स्टिल लोअर देन the standard of living of the other developed country. तो जहां most of लगा है वहां होना चाहिए था the standard of living. तो the standard of living आप दोबारा ले रहे हैं और ये singular है, यहां पे that लगा दें तो जाएगा the standard of living in India is still lower than that of, है ना, than that of the other developed countries. ये जो that आप लगाएंगे the standard of लिविंग के स्थान पे आएगा, यानी आपका जो एरर है वो सी पोर्शन में माना जाए, याद कर लीजिए काम आएगा ये चीज आपके। सेंटेंस फिलर है आपका, इरेगुलर सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, यानी इलेक्ट्रिसिटी अगर इरेगुलर सप्लाई होती है कैन डैश इन वेस्टेज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ये इन बता रहा है कि कॉज इन नहीं होता है, अफेक्ट इन नहीं होता है, इफेक्ट इन नहीं होता है। अगर आप पढ़े हो, आपने मेहनत किया हो तो आप जानते हैं इरेगुलर सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कैन रिजल्ट इन होता है, कैन रिजल्ट इन वेस्टेज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। देखिए कौन सा यहां पे आपके लिए सही था, फर्स्ट देखें कौन सा सही। His father introduced him at an dash is to the game of cricket. उसके पिता ने उस game of cricket में कौन सी एज में उसे इंट्रोड्यूस किया, inquisitive एज में, जिज्ञासु एज में। इस game of cricket का जिज्ञासा से क्या मतलब, insensible एज में, एक ऐसी एज में जब उसके पास सेंस नहीं था यानी वो बुद्धिमान नहीं था, ऐसी एज में इंट्रोड्यूस किया कतई नहीं करेंगे। इंप्रेशनल इंप्रेशनेबल एज में, इंप्रेशनेबल क्या होता है, व्हेन यू आर इन्फ्लुएंस्ड इजीली बाय अदर थिंग्स, जब आप ऐसी स्थिति में इंप्रेशनेबल होते हैं तो आप इंप्रेशनेबल होते हैं। तो हिज फादर इंट्रोड्यूस्ड हिम एट एन इंप्रेशनेबल एज टू द गेम ऑफ क्रिकेट, हो जाएगा ना, इंप्रेसिव तो नहीं होता, इंप्रेसिव वो चीज होता है दैट इज व्हाट इंप्रेसिव इन साइज अमाउंट और व्हाट टॉलनेस। तो हिज फादर इंट्रोड्यूस्ड हिम एट एन इंप्रेशनेबल एज टू द गेम ऑफ क्रिकेट, यानी गेम ऑफ क्रिकेट में तब इंट्रोड्यूस किया जब वो इंप्रेशनेबल था, यानी चीजों के प्रभाव को आसानी से क्या कर सकता था, ग्रहण कर सकता था, ऐसी एज में उन गेम ऑफ क्रिकेट में उसको क्या किया, इंट्रोड्यूस किया, यानी सी हो जाए। सिनोनिम्स आपके हैं रैपेसिस, रैपेसिस मींस लालची होता है तो बहुत ही से, और रैपेसिस में लालची लोलुप होता है तो ग्रीडी, बड़े बड़े अक्षरों में है आपके। एक्सेसिव नहीं होगा, एक्सेसिव मीन्स जरूरत से ज्यादा, दैट इज बियॉन्ड योर लिमिट, इट्स कॉल्ड एक्सेसिव। इंसॉलेंट नहीं होगा, इंसॉलेंट मीन्स हु इज व्हाट, सलेशियस यू कैन से मीन्स अशिष्ट, बदतमीज, हु डजंट फॉलो इजीली समवन, जो किसी को इजीली फॉलो नहीं करता है, मानता नहीं, बदतमीजी करता है, अनकूथ होता है, वो इंसॉलेंट होता है। इनोकुअस कौन होता है, who is harmless, जो किसी को नुकसान नहीं पहुंचाता है, candid होता है, means निष्कपट जो होता है वो innocuous होता है। तो rapacious का synonym हो जाएगा greedy। Next synonym है conjurer, conjurer means होता है magician, जादूगर, स्पष्ट है magician, means जो जादू करता है वो magician होता है, conjurer होता है। performer प्रदर्शन करने वाले को कहते हैं, ट्रिकेस्टर जो ट्रिक करता है, धोखा देता है, छल करता है, जेस्टर जो जोकर होता है, जेस्ट करता है, हास परिहास करता है, वो जेस्टर होता है। तो कंजरर का सिनोनिम हो जाएगा मैजिशियन। एंटोनिम्स है प्रोग्रेसिव, प्रोग्रेसिव मीन्स होता है विकसित होने वाला, विकास करने वाला। तो रिप्रेसिव नहीं होगा, रिप्रेसिव मीन्स होता है जो दमन करता है, मीन्स अत्याचार करता है। रिट्रोग्रेसिव हो जाएगा, रेट्रोग्रेसिव मीन्स होता है वन हु इज मूविंग बैकवर्ड, जो अवनति की तरफ जा रहा, पीछे की तरफ जा रहा,
वो रेट्रोग्रेसिव हो जाएगा, तो प्रोग्रेसिव का एंटोनिम रेट्रोग्रेसिव हो जाएगा। रिपल्सिव समझते होंगे, वन हु इज हैविंग डिसगस्ट, जिस जो घृणित होता है, जो जिसको देख करके घृणा आती वो रिपल्सिव होता है। अग्रेसिव, वन हु हैज अग्रेशन, जो आक्रमणशील होता है, आक्रामक होता है, वो अग्रेसिव होता है। तो प्रोग्रेसिव का एंटोनिम रेट्रोग्रेसिव, पतनशील, पीछे की तरफ जाने वाला, विकास न करने वाला। ससेप्टेबल, ससेप्टेबल कौन होता है? जो आदमी आसानी से प्रभावित हो जाए, यानी जो जिस आदमी पे आसानी से वार किया जा सकता हो, प्रभाव डाला जा सकता हो, वो ससेप्टेबल होता है। जो किसी बीमारी वगैरह को आसानी से ग्राह्य कर ले, वह ससेप्टेबल है। इसका एंटोनिम इनक्रेडिबल नहीं है। इनक्रेडिबल मीन्स होता है अविश्वसनीय, नहीं हो। इसका एंटोनिम इम्यून हो जाए। इम्यून क्या होता है? प्रतिरक्षा। यू नो योर बॉडी हैज एंटीबॉडीज, आपके शरीर में एंटीबॉडीज होते हैं जो बाहर से आने वाले प्रभावों को क्या करते हैं, रोकते हैं, बीमारियों से आपको बचाते हैं, उसे इम्यून कहते हैं। इम्यून मीन्स प्रतिरक्षा। तो ससेप्टेबल, जो आसानी से ग्रहण कर ले किसी प्रभाव को, और इम्यून, जो उस प्रभाव को आने से रोके। तो ससेप्टेबल का एंटोनिम इम्यून। प्रिडिक्टेबल, यू नो वन हु इज एबल टू बी प्रिडिक्टेड, यानी जिसके बारे में आप बता सकते हैं वो ऐसा है, वो प्रिडिक्टेबल है। अनप्रिडिक्टेबल यानी कोई ऐसा एक्शन या कोई व्यक्ति जिसके बारे में आप न बता सकते हो, वो अनप्रिडिक्टेबल। इडियम एंड फेज, टू टर्न ओवर अ न्यू लीफ, जब आप कुछ बेहतर करने के लिए परिवर्तन करते हैं, कुछ बेहतर करने के लिए जब आप परिवर्तन करते हैं, यू आर टर्निंग ओवर अ न्यू लीफ, इट मीन्स टू चेंज फॉर द बेटर। तो टू टर्न ओवर अ न्यू लीफ, टू चेंज फॉर द बेटर मीन्स बेहतर के लिए अपने आप में बदलाव करना। टू कीप अप वन्स अपीयरेंसेस, बहुत बार क्या होता है कि हमारी उतनी हैसियत नहीं होती है, लेकिन हम उस हैसियत को बाहरी तौर पर बनाए रखने का दिखावा करते हैं, मीन्स अपने ठाट बाट को बनाए रखने का दिखावा करते हैं। तो टू कीप अप वन्स अपीयरेंसेस इज टू कीप अप एन आउटवर्ड शो ऑफ प्रॉस्पेरिटी, यानी टू कीप अप बनाए रखना एन आउटवर्ड शो, बाहरी तौर पे आप ये प्रदर्शित करते हैं आप प्रॉस्पेरिटी के, आप क्या है, धन धान्य से भरे हुए, समृद्धि से भरे हुए, मीन्स आप दिखावा करते हैं, आप ऐसा है नहीं। तो टू कीप अप वन्स अपीयरेंसेस मीन्स दिखावा करना, अपनी समृद्धि का दिखावा करना, टू कीप अप एन आउटवर्ड शो ऑफ प्रॉस्पेरिटी हो जाएगा सी अंश। सेंटेंस इंप्रूवमेंट है आपका, शी हैज डिसाइडेड टू कैनवस फॉर द कंजर्वेटिव पार्टी। आप समझते हैं ये कैनवस गलत है, ये वो कपड़ा होता है किरमिच का जिसपे आप कलाकारी वर्क करते हैं। अगर यहां पे डिसाइड उसने किया कि वो कंजर्वेटिव पार्टी के लिए कैनवस करेगी, इट मीन्स उसने डिसाइड किया कि वो उसके लिए प्रचार करेगी, तो प्रचार करना या किसी को एडवर्टाइज करना जो होता है वो एक कैनवस नहीं होता है, वो डबल एस होता है। तो सी हैज डिसाइडेड टू कैनवस फॉर द कंजर्वेटिव पार्टी। अगर आपके मन में आए सर एडवर्टाइज क्यों नहीं है, एडवर्टाइज होता है विज्ञापन कर, किसी चीज का प्रचार करना, ये एडवर्टाइज सामान वगैरह को एडवर्टाइज किया जाता है। जब आप किसी के लिए वोट के लिए आप कैनवास करते हैं, मीन्स प्रचार करते हैं, तो आप सी ए एन वी डब्ल्यू एस करते हैं। तो सी हैज डिसाइडेड टू कैनवास फॉर द कंजर्वेटिव पार्टी, कैनवासिंग यहां पर होगा नहीं क्योंकि टू है, कैनवासिंग नहीं होगा, तो बी ऑप्शन हो जाए। इंप्रूवमेंट है क्वेश्चन नंबर 13, सीरियस चार्जेस ऑफ करप्शन वर डैश अगेंस्ट हिम, करप्शन के चार्जेस अगर उस पर लगाए गए, यू कैन अंडरस्टैंड लेवल्ड, और अगेंस्ट भी बता रहा है लेवल्ड होगा, तो सीरियस चार्जेस ऑफ करप्शन वर लेवल्ड अगेंस्ट हिम, यानी उस पर गंभीर आरोप लगाए गए कि मतलब वो उसने गंभीर अपराध किया है, तो वर लेवल्ड अगेंस्ट हिम। पुट करेंगे नहीं आप, मेड करेंगे नहीं आप, नो इंप्रूवमेंट होगा ना, कि लेवी तो होगा नहीं। लेवी क्या होता है, जब आप किसी पर कर लगाते हैं, कोई टैक्स इंपोज करते हैं आप, तो लेवी होता है, उसी के सेकंड फॉर्म है आपकी, थर्ड फॉर्म है। तो सीरियस चार्जेस ऑफ करप्शन वर लेवल्ड अगेंस्ट हिम हो जाए। स्टडी ऑफ द प्रॉब्लम्स ऑफ लीगल पनिशमेंट एंड प्रिजन, ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आपका है। स्टडी ऑफ द प्रॉब्लम्स ऑफ लीगल पनिशमेंट एंड प्रिजन,
यानी जो लीगल पनिशमेंट है या जो प्रिजन है, इससे संबंधित जो समस्याएं होती हैं, उनका अध्ययन आप न्यूरोलॉजी में नहीं करते, इसमें आप नर्व सब यानी जो तंत्रिका तंत्र होता है उसका अध्ययन करते हैं, स्टडी ऑफ नर्व सब और इट्स सिस्टम। एस्ट्रोलॉजी में भी नहीं करते, आप समझते हैं ज्योतिष विज्ञान होता है, जब आप नक्षत्रों के आधार पे आप हस्तरेखाओं वगैरह का अध्ययन करते हैं, उसका अध्ययन करते हैं, वो एस्ट्रोलॉजी होता है। पेनोलॉजी हो जाएगा, पेनोलॉजी दंड शास्त्र को कहते हैं। तो यहां देखिए लीगल पनिशमेंट है ना, पनिशमेंट दंड देना होता है, तो स्टडी ऑफ द प्रॉब्लम्स ऑफ लीगल पनिशमेंट एंड प्रेशर ये बता रहा है, पेनोलॉजी होता है। पेनोलॉजी मीन्स दंड शास्त्र। क्रिमिनोलॉजी क्या होता है, ये अपराध शास्त्र होता है, इसमें ये अध्ययन किया जाता है कि अपराध की प्रवृत्ति क्या थी, उसका कारण क्या था, ये सब अध्ययन किया जाता है। और ये लीगल पनिशमेंट है, इसमें पेनोलॉजी हो जाएगा, दंड शास्त्र। रिटेन लॉ ऑफ लेजिस्लेटिव बॉडी, जो समिति होती, बॉडी होती यानी समिति होती है, वो लेजिस्लेटिव बॉडी जो होती है वो जब एक लिखित कानून बनाती है, उस कानून को स्टैटिक कहते हैं, मीन्स स्थिर कहते हैं, कतई नहीं, स्टैट्यूट कहते हैं, बिल्कुल कहते हैं, क्योंकि स्टैट्यूट मीन्स ही कानून होता है, तो इसका आंसर बी हो जाए। स्टैच्यू आप जानते हैं मूर्ति को कहते हैं, और स्टेचर क्या होता है, किसी का कद, किसी की काठी, किसी की लंबाई वगैरह जो होती है, उसका आकार प्रकार जो होता है वो उसका स्टेचर होता है। तो रिटेन लॉ ऑफ लेजिस्लेटिव बॉडी स्टैट्यूट यानी कानून होता है। इसके सेंटेंस अरेंजमेंट, एजुकेशन इन इंडिया हैड अ ग्लोरियस डे, यानी भारत में जो एजुकेशन रही है हैड अ ग्लोरियस बिगनिंग, उसके शानदार शुरुआत रही, बट आफ्टर द ब्रिटिश रूल इट फेस्ड मेनी चेंजेस, हो सकता है लेकिन और ठीक है, इट वेंट ऑन फॉर सेंचुरीज विद द सेम ग्लोरी, ये बता रहा है कि उसी ग्लोरी के साथ था ना, यहां पर ग्लोरियस बिगनिंग, इसी ग्लोरी के साथ ये सदियों तक वेंट ऑन चलता रहा, यानी क्यों पहले आएगा पी से, इंग्लिश एज द मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन, पहले अगर क्यू पहले आ रहा है तो हम चारों ऑप्शंस देख लेते हैं, पहला ऑप्शन है PQRS, नहीं होगा, दूसरा ऑप्शन है QPSR, हो सकता है, तीसरा PQSR, नहीं होगा, चौथा SRP को नहीं होगा, यानी एक ही ऑप्शन आपके पास QPSR, लेकिन हम चेक कर लेते हैं। तो एजुकेशन इन इंडिया हैड ए ग्लोरियस बिगनिंग, इट वेंट ऑन फॉर सेंचुरीज विद द सेम ग्लोरी, ये तो हर हाल में क्यू पहले आया, अब क्यों हमने देखा, क्यों के बाद पी, यानी सदियों तक ये उसी ग्लोरी के साथ चलता रहा, बट सही है, लेकिन आफ्टर द ब्रिटिश रूल, लेकिन जब ब्रिटिश रूल हो गया तो इट फेस्ड मेनी चेंजेस, इसमें बहुत सारे परिवर्तन आए, सही है, क्यू पी हो गया, एस हो गया, वन ऑफ द चेंजेस, ये क्लू है आपका कि जब भी आएगा ये जो चेंजेस है इसके बाद एस आएगा, यानी पी के बाद हर हाल में एस आएगा, देख लें क्यू था पहले, P और S भी यहां पे है, तो लास्ट अपने आप आ रहा जाएगा, यानी B ऑप्शन आपका क्लियर है। नेक्स्ट सेंटेंस अरेंजमेंट है, इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ पेरेंट्स टू टीच द यंग मॉरल वैल्यूज इन लाइफ, यानी इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ पेरेंट्स, यानी पेरेंट्स की जिम्मेदारी है टू टीच, कि वो सिखाएं द यंग, अपने छोटे छोटे बच्चों को मॉरल वैल्यूज इन लाइफ, कि जीवन में नैतिक शिक्षाओं का क्या महत्व है। देखिए मेनी चिल्ड्रन टेक एडवांटेज ऑफ देयर पेरेंट्स बिजी शेड्यूल, देखें आगे, दिस रिजल्ट्स इन चिल्ड्रंस इग्नोरेंस ऑफ सोशल वैल्यूज, और देखें द रीजन बिहाइंड इट इज दैट पेरेंट्स आर क्वाइट बिजी नाउडेज, हो सकता है नाउडेज पेरेंट्स स्पेंड वेरी मेगर टाइम विद चिल्ड्रन, अब ये तय है कि ये जो एस है ये हर हाल में आर के, मतलब आर के बाद, यानी एस पहले आएगा आर बाद, क्यों, क्योंकि नाउडेज आजकल पेरेंट्स स्पेंड वेरी मेजर टाइम विद चिल्ड्रन, यानी अपने बच्चों के साथ वो बहुत कम समय देते हैं, और इसका कारण बताया गया क्यों कम समय देते हैं, द रीजन बिहाइंड इट, इसके पीछे कारण है इज दैट पेरेंट्स आर क्वाइट बिजी नाउडेज, क्योंकि आजकल वो बहुत बिजी है, जब भी आएगा एस के बाद आर आएगा, देखें एस आर है, नहीं है, नहीं है, नहीं है, हो गया आंसर आपका,
अगर ये दो पॉइंट्स आप तय कर लेते हैं कि आजकल माता पिता अपने बच्चों को बहुत कम समय देते हैं, क्यों कम समय देते हैं, द रीजन बिहाइंड इसके पीछे कारण है इज दैट कि पेरेंट्स आर क्वाइट बिजी नाउडेज। और यहां भी देखिए नाउडेज की बात ही नाउडेज कि आजकल वो बहुत बिजी हैं। अगर एस और आर आपने तय कर लिया है तो आपका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन हो जाएगा। वैसे पूरा पढ़ेंगे तो भी आप समझ ओके मिलाते जाइएगा, देखते जाइएगा कितने आपके सही हो रहे, क्योंकि मेन चीज मेरा यही टारगेट है रेगुलर देने का कि आप इसमें अपने आप को इवेल्युएट कर सकते हो आप, ठीक है जी, जो मेरा टारगेट है। फाइंड आउट द करेक्टली स्पेल्ड वर्ब, प्रश्न नंबर 18 पे आ गए हम लोग, बिल्कुल इजी है। क्या कर्नल गलत है, CONONAL सही, कर्नल बुफे सही है गलत है, BUFFET होता है बुफे, समझते हैं व्हेन यू आर You yourself are serving your what dish means भोजन वगैरह खुद लेकर के आप करते हैं in standing position this is called buffet। Lieutenant सही है, LIEUTII नहीं होता है ई होता है, Lieutenant में गलत है। Banquet सही है, BANKE गलत है, BANQ होता है, BANQUET होता है, Banquet means भोज होता है, यानी ये भी गलत है, ये भी गलत, ये भी गलत और ये सही है, सीओएलओनियल कर्नल की स्पेलिंग सही है आपकी, यानी ए ऑप्शन हो जाए। नेक्स्ट वॉइस एक्टिव वॉइस है, पैसे में आपको बदलना है। जैसे आपने द डीलर विल सर्विस देखा तो आपके दिमाग में तुरंत आ जाए कि हमारा आंसर विल बी से होगा। इससे आगे बढ़ने से पहले देख लें आप, द स्कूटर विल बी सर्विस रखें ध्यान में, स्कूटर वास तुरंत हटा दें, बी पोर्शन गायब कर दें। फॉर द फर्स्ट थ्री टाइम्स द डीलर विल सर्विस, मैटर फिनिश विल बी होगा, सर्विसिंग ऑफ द स्कूटर फॉर फ्री विल बी डन, ये भी हो सकता है, जब भी होगा ए होगा या डी होगा। अब हमें समझे हमारा ऑब्जेक्ट क्या है, द डीलर विल सर्विस द स्कूटर, हमारा मेन ऑब्जेक्ट क्या है, द स्कूटर है न कि सर्विसिंग ऑफ द स्कूटर है। तो अगर इन दोनों में से हमको प्रीफरेंस देनी होगी क्या होगा, द स्कूटर विल बी क्लू है यहां पे, द स्कूटर विल बी सर्विस हो जाएगा, यानी ए ऑप्शन हो जाएगा। बी डायरेक्ट एंड डायरेक्ट प्रश्न नंबर 20 ओके, मुझे आशा है आप निश्चित ही एंजॉय कर रहे होंगे चीजों का कि धीरे धीरे हम सीख रहे हैं और ये रेगुलर रहेगा, 8 बजे आपको मिलता रहेगा। देखिए एक चीज और समझना होगा आपको, कभी कभी क्या है इलेक्ट्रिसिटी के प्रॉब्लम हो जाते हैं, इंटरनेट के प्रॉब्लम हो जाते हैं, कभी अगर किसी रात थोड़ा बहुत इधर उधर हो जाए तो मैनेज करेगा, जैसे कल हो गया था, लेकिन मैं बताऊंगा आगे आपको। यहां देखें आप, द ग्रूम सेड टू द ब्राइड, पास्ट है यहां पे, सेड टू द ब्राइड आई विल टेक गुड केयर ऑफ यू, जैसे आई विल आया तो आपका आंसर क्लियर हो जाना चाहिए कि विल को वुड में बदलना होगा क्योंकि सेड टू यहां पे ओके। तो द ग्रूम प्रॉमिस्ड द ब्राइड दैट ही वुड टेक गुड केयर ऑफ हर, हो सकता है द ग्रूम हैज प्रॉमिस्ड, कहां हैज प्रॉमिस्ड है मैटर फिनिश, द ग्रूम हैड प्रॉमिस्ड, कहां हैड है मैटर फिनिश, द ग्रूम प्रॉमिसेस, ये तो पास्ट है तो कैसे हो जाएगा, यानी ए ऑप्शन होगा, द ग्रूम प्रॉमिस्ड द ब्राइड दैट ही वुड टेक गुड केयर ऑफ हर, हर ग्रूम अपनी ब्राइड से हमेशा प्रॉमिस करता है कि वो उसका अच्छे से ध्यान रखेगा ओके। तो ए ऑप्शन हो जाए। And this is closed test, the most important segment in your exams. Education is the most important and best tool for women empowerment. यानी जो education है वो सबसे महत्वपूर्ण और tool for women empowerment. यानी महिला सशक्तिकरण के लिए education सबसे महत्वपूर्ण और indispensable. इंडिस्पेंसिबल मीन्स अपरिहार्य, जिसे दैट कैन नॉट बी अवॉइड, जिसे आप टाल न सकते हो, अवॉइड न कर सकते हैं, हो सकता है। एजुकेशन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड नीडलेस टूल, कभी नहीं होगा, निगेटिव वर्ड है आपका ये एलिमिनेट करना सीखें धीरे धीरे आप, कि हमें लीव आउट कर देना नीडलेस को। रिडंडेंट, रिडंडेंट मीन्स क्या होता है, सुपरफ्लुअस, सुपरफ्लुअस दैट इज वट एक्सेस दैट इज नॉट गोइंग टू बी यूज, तो ये भी नेगेटिव वर्ड है, नहीं होगा। पेरिफेरल, पेरिफेरल क्या होता है, परिधि होता है ना,
इफ यू आर टॉकिंग ऑफ द एज जो कगार होती उसके किनारे किनारे जो चीज होती है वो परिधीय होती है. दिस इज नॉट पेरिफेरल. यहाँ पेरिफेरल का कोई मतलब ही नहीं आता है. यानी आपका आंसर स्पष्ट है इंडिस्पेंसिबल. एजुकेशन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड इंडिस्पेंसिबल टूल फॉर वीमेन एम्पावरमेंट. मैं फिर कहूंगा आपसे क्लोज टेस्ट उन्हीं बच्चों का सही होगा जो बच्चे वर्ड पावर में बेहतर होंगे और उनके बीच अंतर करना सीखेंगे. एक और चीज, हमेशा पॉजिटिव और नेगेटिव वर्ड्स के बीच अंतर समझें कि हमारा जो पैसेज है वो किस चीज पे. पॉजिटिव पैसेज है ना आपका, जहां पे वेमेन एम्पावर की बात हम करें, एम्पावरमेंट की बात कर रहे हैं, तो फिर वहां नीडलेस या रिडंडेंट या पेरिफेरल का कोई मतलब नहीं था. हम क्योंकि वेमेन एम्पावरमेंट के लिए एजुकेशन सबसे महत्वपूर्ण और अपरिहार्य टूल है, औजार है, जिसके द्वारा वेमेन एजुकेशन दी जा सकती है. इट मेक्स वेमेन अवेयर ऑफ देयर राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज. यानी जो एजुकेशन है ये इट उसी के लिए है. इट मेक्स वेमेन अवेयर ऑफ देयर राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज. यानी एजुकेशन महिलाओं को उनके अधिकारों और उनकी जिम्मेदारियों के प्रति उन्हें सजग बनाती है. एजुकेशनल अचीवमेंट्स यानी जो हमारी शैक्षिक उपलब्धियां होती हैं ऑफ अ वुमन, यानी औरत की जो शैक्षिक उपलब्धियां होती हैं कैन हैव, उनका हो सकता है. अब इफेक्ट्स बता रहा है कि कैसा प्रभाव हो सकता है. तो एजुकेशनल अचीवमेंट्स की उपलब्धियां जब भी होंगी पॉजिटिव भी होंगी. ओके, तो एजुकेशनल अचीवमेंट्स ऑफ अ वुमन कैन हैव रिपल इफेक्ट्स, कैन हैव रिलेंटलेस इफेक्ट. रिलेंटलेस क्या होते हैं, जो निरंतर लगातार चलता है वो रिलेंटलेस है. यहां तो इसका कोई मतलब नहीं. हार्श इफेक्ट्स नेगेटिव है, कतई ही नहीं. स्ट्रिंजेंट इफेक्ट्स, स्ट्रिंजेंट मीन्स भी हार्श ही होता है, कठोर. ये हार्श और स्ट्रिंजेंट हटा देता है. अब हमारे पास है रिपल और रिलेंटलेस. इफेक्ट्स कैसे होंगे फॉर द फैमिली एंड अक्रॉस जनरेशन. रिपल क्या होता है, लहर, यानी जो ऊर्जा से भरती रहे, यानी जो इंसान के अंदर एक उमंग पैदा करे, वो रिपल है आपकी. तो जो चुनाव है राइट का वो रिपल है. वैसे रिलेंटलेस भी हो सकता था, मीन्स अथक निरंतर. जो आदमी तय कर ले कि हमें एक कार्य करना है वो रिलेंटलेस होता है. लेकिन चुनाव रिपल का है और सही भी है कि एजुकेशनल अचीवमेंट्स ऑफ अ वुमन कैन हैव रिपल इफेक्ट्स. जैसे होता है ना पानी की तरंगे होती हैं इंसान के अंदर इस प्रकार की ऊर्जा से भरती रहती, वैसे ही कैन हैव रिपल इफेक्ट्स फॉर द फैमिली एंड अक्रॉस जनरेशंस. वैसे मैंने कहा रिलेंटलेस भी हो सकता था. मोस्ट ऑफ द गर्ल्स ड्रॉप आउट ऑफ स्कूल्स. ये बहुत सारी बच्चियां स्कूल्स को छोड़ दिया करती हैं ड्यू टू द अनअवेलेबिलिटी ऑफ सेपरेट टॉयलेट्स फॉर देम. क्योंकि उनके लिए वहां पे सेपरेट टॉयलेट्स नहीं होते. द रिसेंटली लॉन्च्ड स्वच्छ भारत मिशन, हाल ही में जो स्वच्छ भारत मिशन लॉन्च किया गया, शुरू किया गया, फोकसिंग ऑन, ये वर्ब नहीं ध्यान रखिएगा, फोकसिंग ऑन, ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है. अभी मैंने कल भी कहा था देखिए फोकस के साथ ऑन है ना आपके. तो फोकसिंग ऑन यानी जो स्वच्छ भारत मिशन जिसे लॉन्च किया गया था, जो कि फोकस कर रहा है, किस चीज पर फोकस कर रहा है, डिप्राइविंग सैनिटेशन फैसिलिटीज. नेगेटिव वर्ड है, कभी नहीं होगा, क्योंकि सैनिटेशन है स्वच्छता होती, स्वच्छता से संबंधित सुविधाओं पर वो फोकस कर रही है. तो कैसे स्वच्छता पर, इंप्रूविंग सैनिटेशन फैसिलिटीज, बिल्कुल होगा, यही होगा ना कि वो सैनिटेशन फैसिलिटीज को इंप्रूव करने पर फोकस कर रहा है. क्या फोकस कर रहा है, स्वच्छ भारत मिशन. फिर से मिलाए, द रिसेंटली लॉन्च्ड स्वच्छ भारत मिशन फोकसिंग ऑन क्या हो जाएगा, इंप्रूविंग सैनिटेशन फैसिलिटीज इन स्कूल्स. यानी स्कूल्स में एंड एवरी रूरल हाउसहोल्ड और हर एक ग्रामीण घर में इसका फोकस है कि हमारे पास इंप्रूविंग सैनिटेशन फैसिलिटीज हो. रिसाइडिंग नहीं होगा, समझ, रिसाइडिंग निवास करना होता है, नहीं होगा यहाँ पे. रेसिस्ट नहीं होगा, रेसिस्ट में प्रतिरोध करना, रोके रखना, होल्ड ऑन करना, नहीं होगा. तो द रिसेंटली लॉन्च्ड स्वच्छ भारत मिशन फोकसिंग ऑन क्या है, इंप्रूविंग सैनिटेशन फैसिलिटीज इन स्कूल्स एंड एवरी रूरल हाउसहोल्ड. यानी जो रिसेंटली लॉन्च्ड स्वच्छ भारत मिशन है
जिसका फोकस है सैनिटेशन फैसिलिटीज को हर स्कूल और हर ग्रामीण घर में 2019 तक क्या कर देना, पहुंचा देना, कैन वो स्वच्छ भारत मिशन कैन प्रूव साबित हो सकता है टू बी वेरी क्या, टू बी वेरी सिग्निफिकेंट बहुत महत्वपूर्ण साबित हो सकता है, टू बी वेरी मीनिंगलेस नेगेटिव वर्ड हटा दे, टू बी वेरी डोमिनेंट, डोमिनेंस प्रबल जो दूसरों को अपने दूसरों पर अपना अधिकार जताता है वो डोमिनेंट होता है, शायद नहीं होना चाहिए यहां पे। गोवाइन, गोवाइन कौन होता है, वन हु इज ऑलवेज चीयरफुल एंड जॉयफुल, जो आदमी हमेशा प्रश्न से खुश रहता है गोवाइन होता है। आप समझ सकते हैं मीनिंगलेस का कोई मतलब नहीं, डोमिनेंट से बेहतर यहां पर सिग्निफिकेंट है, गोवाइन का भी कोई मतलब नहीं। तो कैन प्रूव टू बी वेरी सिग्निफिकेंट बहुत महत्वपूर्ण साबित हो सकता है इन ब्रिंगिंग डाउन, ब्रिंग डाउन मीन्स होता है कम करना, इन ब्रिंगिंग डाउन द क्या, द कॉस्ट ऑफ गर्ल्स हो सकता है, द कॉस्ट ऑफ द रेट ऑफ गर्ल्स ड्रॉपिंग आउट ऑफ स्कूल देखते हैं, द प्रॉफिट ऑफ गर्ल्स ड्रॉपिंग आउट ऑफ स्कूल या द प्राइस ऑफ गर्ल्स ड्रॉपिंग आउट ऑफ स्कूल, ये किस चीज की बात कर रहे हैं। अगर आप हिंदी समझ लें तो लड़कियों के स्कूल छोड़ने के कॉस्ट को, कॉस्ट होगा क्या, कॉस्ट तो वो होता है जो किसी लागत मूल्य को हम कहते हैं, रेट होगा क्या, होगा बिल्कुल होगा, क्योंकि लड़कियों के ड्रॉपिंग आउट ऑफ स्कूल, स्कूल छोड़ने की जो रेट है, जो दर है, उस दर को ब्रिंगिंग डाउन क्या कर सकता है, कम कर सकता है। सही है, पूरा देख लेते हैं एक बार फिर से, एजुकेशन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड इंडिस्पेंसिबल टूल फॉर वीमेन एम्पावरमेंट, इट मेक्स वीमेन अवेयर ऑफ देयर राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज, एजुकेशनल अचीवमेंट्स ऑफ अ वुमन कैन हैव क्या हो जाएगा, रिपल, वैसे मैंने कहा रिलेंटलेस हो सकता है निरंतर के सेंस में, बट रिपल बेहतर है, कैन हैव रिपल इफेक्ट्स फॉर द फैमिली एंड अक्रॉस जनरेशंस, most of the girls drop out of schools due to the unavailability of separate toilets for them, the recently launched Swachh Bharat Mission focusing on improving sanitation facilities in schools and every rural household by 2019 can prove, this Swachh Bharat Mission can prove to be very significant, ये बहुत महत्वपूर्ण साबित हो सकता है किस चीज में, इन ब्रिंगिंग डाउन द रेट ऑफ गर्ल्स ड्रॉपिंग आउट ऑफ स्कूल, यानी वो लड़कियां जो स्कूल छोड़ रही हैं उनकी दर कम करने में ये बहुत सिग्निफिकेंट यानी महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। दिस इज द सेकेंड सेट ऑफ प्रैक्टिस सेट, और निश्चित ही मुझे विश्वास है कि आप अगर रेगुलर इसे सॉल्व करते हैं, सिर्फ आपको एक घंटे के आसपास 45 मिनट से एक घंटे के आसपास अपना समय आपको देना है। मैं ये भी जानता हूं कुछ जगह आपको और लगता होगा, बड़ी प्रैक्टिस सेट्स हैं, जर्नी बिल्कुल आप जो सोचते हैं वही होगा या जो हम सोचते हैं वही, कहीं कहीं जो बेस्ट ऑप्शन है वो आपको चूज करना होता है, लेकिन इससे आपकी आदत हो जाए, आपको अपने आप को जज करने एग्जामिन करने का मौका मिल जाए कि हम किस लेवल पे हैं, क्या हम 20 से ऊपर जा रहे हैं। चलिए आप उनको बताइएगा कितने बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने 20 से ऊपर 20 के ऊपर आंसर सही थे, कितने ऐसे हैं जो 15 से 20 के बीच में थे, कितने ऐसे हैं जो 10 से 15 के बीच में, और कितने ऐसे हैं जो 10 के भी नीचे थे। जो बच्चे 20 के ऊपर है, जो कि कुछ एक बच्चे होंगे आप में, वो बच्चे निश्चित ही आगे उनका भविष्य उज्जवल है, बेहतर, क्योंकि जो लेवल मैं दे रहा हूं ये बिल्कुल वही लेवल है जो एग्जाम में आपको फेस करता है। जो बच्चे 15 से 20 के बीच में, उन बच्चों को हल्का सा और प्रयास करने की आवश्यकता है, और बढ़े वो और मेहनत करें, और जो बच्चे 10 से 15 के बीच में, उन्हें अपने आप से कहना होगा दे नीड हार्डर वर्क, उन्हें और कठिन परिश्रम करने की आवश्यकता है, ज्यादा करने की आवश्यकता है। तो इसलिए ये ध्यान में रखिएगा कि ये प्रैक्टिस सेट्स के थ्रू आप आजमाएं खुद को, मैं भी आजमाता हूं, कल से मैं आज बेहतर करने की कोशिश कर रहा हूं और आज से बेहतर मैं कल करने की कोशिश करूंगा, और इसी विश्वास के साथ और आपकी सहयोग की अपेक्षा के साथ कल 8 बजे फिर मैं उपस्थित होऊंगा। सहयोग करिएगा, लोगों को बताते रहिए कि ये एक तरह से फ्री ऑफ कॉस्ट, विदाउट एनी फी,
यानी कि बिना किसी फीस के ये वो साल कर सकते हैं। अगर आपने 70-80% भी आपने गेन किया तो आप आराम से इसका फायदा ले सकते हैं। कभी भी 100% पाने की कोशिश ना करें, क्योंकि जिस दिन हम 100% पा जाएंगे उस दिन भगवान हो जाएंगे। और इंग्लिश में आपने जरूर सुना होगा, टू एर इज ह्यूमन टू फॉरगिव डिवाइन। सो जस्ट बी अ ह्यूमन बीइंग, हम ह्यूमन बीइंग बने और गुंजाइश हमेशा रखें कि कल से आज हम बेहतर हैं तो आज से कल हम बेहतर। थैंक यू वेरी मच।